देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिलहाल अपनी कमर कस ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान को संभालते हुए लगातार यूपी की जनता के बीच स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़े शब्दों में अस्पतालों को धमकी दी है और कहा है, अस्पताल और डॉक्टर तैयार रहें, हम कभी भी कहीं भी पहुंच जाएंगे। छात्र नेता रहा हूं, सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है। अस्पतालों में मरीजों का इलाज मेरी प्राथमिकता है, लेकिन लापरवाही हुई तो सब निपटेंगे। ब्रजेश पाठक इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है अस्पतालों में उनकी छापेमारी। बगैर लाभ लश्वर के लाइन में लगकर यूपी के अस्पतालों की दशा उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इस कड़ी में उप मुख्यमंत्री से खास बातचीत की गई और उप मुख्यमंत्री ने अपनी खास बातचीत में यूपी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी बातें कही हैं। उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, मेडिकल कॉलेज को लेकर हम काम कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश के लिए जो विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा। उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर से एक बात कह दी है, मैं कड़े शब्दों में कह देना चाहता हूँ, अस्पताल और डॉक्टर हर वक्त तैयार रहें। मैं अचानक से निरीक्षण के लिए किसी भी वक्त वहाँ पहुँच जाऊँगा और जो भी लापरवाही करेगा उनसे निपटने के लिए मेरे पास पूरा प्लान तैयार है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है, सरकार को मरीजों के इलाज में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और जो लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।